हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट कहा है और यह किस तरीके से काम करता है दरअसल इस ऑफिस में क्या दूसरे भी ऑफिस हैं और यहाँ पर किस तरीके से फंक्शनिंग होती है इन सभी चीजों के बारे में आज का हमारा वीडियो वॉट इज इट तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट क्या है देखिए इट इज वन ऑफ द सिक्स मेजर ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस विथ अदर बींग द जनरल असेंबली हमने पिछले वीडियोस में देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है जहां पर 193 नाइनटी थ्री होते हैं ईच कंट्री को एक वोट दिया जाता है यानी कि मेजॉरिटी बेसिस पर जो है वो एजेंडाज़ और प्रायोरिटीज़ सेट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे पाँच जो है वो परमानेंट मंबर्स होते हैं और दस जो है नॉन परमानेंट मेम्बर्स होते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो कि इकोनॉमिक और सोशल रिलेटेड जितने भी काम होते हैं यूनाइटेड नेशंस के वो देखता है द डिफंक ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो 1945 में कॉलोनीज या फिर ट्रस्ट टेरिटरीज जिसके तहत मॉनिटर करने को दिया गया था जो कि आज डिफंक है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं तो ये जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट ये सिक्स पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का द सेक्रेटेरिएट इज द यूनाइटेड नेशंस एग्जीक्यूटिव आर्म अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का लेजिस्लेटिव आर्म है तो फिर यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट जो है उसका एग्जीक्यूटिव आर्म है यानी कि अगर हिंदुस्तान की सांसद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है तो पी ऑफिस जहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं वो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट है आप पिक्चर देख सकते हैं ये एंटोनियो ग्टेरस हैं पुर्चुगल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि एज ऑफ नाउ यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट जो है वो इन्हीं की ऑफिस है जितने भी ये कामकाज करते हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड या फिर यूनाइटेड नेशन जितने भी एक्टिविटीज लेता है उन सभी का एग्जीक्यूटिव आर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट रोल ऑफ सेक्रेटेरिएट आखिरकार सेक्रेटेरिएट का रोल क्या होता है देखिये द सेक्रेटेरिएट हैज़ एन इम्पॉटेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा फॉर यू एनस डेलीबरेटिव एंड डिसीशन मेकिंग बॉडीज ऑफ़ द यू एन जनरल असेंबली एकोसॉक एंड सिक्योरिटी काउंसिल हमने देखा कि सात महीने पहले ही यानी कि अगर जुलाई में सेशंस चल रहे हैं तो सात महीने पहले ही एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है एक एजेंडा बनाया जाता है या फिर एक लिस्ट जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के डेलीगेशंस को या फिर अलग अलग कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जाता है जो कि वो आकर डिस्कस करते हैं जुलाई के महीने में तो इसी तरीके से वो जो पोर्टफोलियोज जाते हैं वो इसी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट से निकलते हैं तो वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है जो काम करता है एजेंडा बनाने का यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जितने भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो इन्हें भी देखता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो भी इसे डिसाइड करता है और सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उसके भी एजेंडाज़ जो है वो यही सेक्रेटेरिएट डिसाइड करता है तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पार्ट होगा ये यूनाइटेड नेशंस का द इम्प्मेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ दिस बॉडीज़ यानी कि महज़ एक एजेंडा सेट करना नहीं इसके अगर जो कोई भी डिसीशंस फॉर एग्जाम्पल अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पी फाइव कंट्रीज़ हैं चाइना यूनाइटेड किंगडम यू एस ए फ्रांस और रशिया अगर ये पाँच कंट्रीज ने किसी किसी एक कंट्री पर जो है वो मिलिट्री कंटीजेंसी भेजने का अगर डिसीशन लिया है तो उस डिसीशन को इम्प्लीमेंट करने वाला यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट होता है 1986 में जो है इराक के खिलाफ एक मिलिट्री कंटिजेंसी भेजी गई थी क्योंकि इराक पर एलिगेशन थे कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल उन्होंने किया था तो उस वक्त भी वो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट था जिसने इस डिसीशन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस डिसीशन को इम्प्लीमेंट करवाया था द सेक्रेटरी जनरल यानी कि अभी जो पिछले स्लाइड में आपने पिक्चर देखी एंटोनियो गुटेरस की हु इज़ अपॉइंटेड बाई जनरल असेंबली इज हेड ऑफ़ द सेक्रेटेरिएट यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर सांसद या पार्लियामेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली है पी एम ओ यानि कि द एग्जीक्यूटिव आर्म जो है वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी है तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरस हैं प्रेजेंट स्टेटस तो एज ऑफ नो इसका स्टेटस है क्या देखिए द सेक्रेटेरिएट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिसिस फॉर द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल हमने ये हमें एक बात जो जाहिर तौर पर जाननी है वो ये है हमने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बात की कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक सावरन बॉडी नहीं है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है वो महज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिलिबरेट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ठीक है तो जो कि वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक महज़ ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है लेकिन वो पूरे कंट्रीज़ को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है तो दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिक एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस लेकिन यूनाइटेड नेशंस का ये पावर या फिर यूनाइटेड नेशंस जो इस प्लेटफॉर्म पर लाता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जो कि साल में सिर्फ एक बार मिलती है जुलाई के महीने में तो फिर बाकी के महीने ये काम क्या करती है तो फिर यूनाइटेड नेशंस के बाकी के महीने पूरा जो काम साल भर काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अजेंडास या पोर्टफोलियोस पॉलिसीज़ जो है वो डिस्कस किए जाते हैं डिलिबरेट किए जाते हैं और पास किए जो जाते हैं 193 मेंबर स्टेट्स जो वोटिंग में आते हैं और जो पास करते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ उन पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करता है ये सेक्रेटेरिएट ठीक है तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पोलिटिकल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल सॉरी जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल इट एडमिनिस्टर्स ऑपरेशन इनिशिएटेड बाई यू एन डिलिबरिटी ऑर्गन बिल्कुल जो यू एन के डिलिबरिटी ऑर्गन है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर यूनानिमसली या फिर उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया हो तो उसे इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी अगर कोई है तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है ऑपर पॉलिटिकल पोलिटिकल मिशन यानी कि कोई पॉलिटिकल डेलीगेशंस अगर किसी कंट्रीज़ को भेजने हैं तो वो भी यही करता है फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल और पैलेस्टीन के बीच कई बार जो है पीस डील ब्रोकर की गई थी तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था यूनाइटेड नेशंस सेक्रटेरीट का तो इस यूनाइटेड नेशन सेक्रटेरीट ने मैंडेट लिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जो है वो पीस डील बात की जाए प्रिपेयर्स असमेंट दैट प्रिस पीस कीपिंग ऑपरेशन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यूनाइटेड नेशंस का है वो पीस कीपिंग फोर्सेस है यानी कि 193 नाइनटी मेम्बर्स कंट्रीज जो है वो हर कंट्री या फिर मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो है अपने अपने कंटिजेंस भेजते हैं या फिर अपने अपने पुलिस पर्सनल भेजते हैं या फिर आर्मी पर्सनल भेजते हैं फॉर पीस कीपिंग अक्रॉस द वर्ल्ड मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सूडान या फिर कोई अफ्रीकन uh, कंट्री में जो है वो सिविल वॉर चल रहा है अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनानिमसली ये सपोर्ट करता है कि हमें पीस कीपिंग फोर्सेज को भेजने हैं यहाँ पर किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए या फिर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तो ये पीस कीपिंग फोर्स यानी कि दुनिया भर के जो पुलिस पर्सनल या फिर आर्म्ड फोर्सेज जो कॉन्ट्रीब्यूट के तौर पर अलग अलग मेम्बर से अलग अलग कंट्रीज से जो आते हैं वो इस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनते हैं और उस कंट्री में जाकर अपने ऑपरेशंस पूरे करते हैं तो ये सक्रटेरियस सेक्रेटेरिएट उन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए भी काम करता है कंडक्ट्स सर्वेस एंड रिसर्च बिल्कुल कम्युनिकेट्स विध नॉन स्टेट एक्टर्स सच एस मीडिया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए ये एक एग्जीक्यूटिव है तो ये एक एग्जीक्यूटिव माउथ पीस की तरह काम करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का यानी कि द मेन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द कॉमन पब्लिक इज़ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग ऑल ऑफ द ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ट्रीटीज या अग्रीमेंट्स बनाता है उन सभी अग्रीमेंट ट्रीटीज और पॉलिसीज को पब्लिश करने का और उन्हें फुलफिल करने का काम अगर कोई लेता है तो वो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट है तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो